नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल AKG राइडर पर। और आज मेरा छुट्टी का दिन है तो हमने सोचा एक प्लान बनाते हैं थोड़ी सी दूर राइड करने का। सो हम लेके निकले हैं अपनी फटफटिया को, जो कि थंडरबर्ड 350 अभी जो रिसेंट में ली थी। और आज मैंने प्लान बनाया कि अपने कमरे से एक 55 किलोमीटर दूर एक महालक्ष्मी मंदिर है, जो कि काफ़ी अच्छा मंदिर है, तो वहाँ जाने का मैंने प्लान बनाया है। और अब वहाँ के लिए निकल चुके हैं। तो जैसे ही हम वापिस से 10 किलोमीटर बाहर निकले तो काफ़ी अच्छा मौसम शुरू हो गया है अभी, और जंगल टाइप भी आ गया। और साथ ही देखिए आम के जो स्टॉल है वो लगे हुए हैं, क्योंकि आम का सीज़न चालू हो गया है अभी। तो आते टाइम हम भी लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छे और सस्ते रेट पर आम इधर मिल जाते हैं आउटसाइड में। और वापिस से 30-40 किलोमीटर निकलने के बाद ही महाराष्ट्र बॉर्डर चालू हो जाता है। और ये देखिए महाराष्ट्र बॉर्डर पे इंट्री करते टाइम कुछ ऐसा बनाया हुआ है। सो ये परमानेंट नहीं है, बस अभी रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इस वजह से शायद ये चीज़ें बनाई हुई है। और साथ ही देखिए रोड के साइड में मिट्टी के अच्छे अच्छे बर्तन भी इधर मिल जाएंगे, कुकर वगैरह कुछ भी लेना हो तो। और उसका हमारा फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, तो अभी फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। दोस्तों फाइनली हम अपनी मंजिल पे पहुंच चुके हैं, और ये महालक्ष्मी, और हमारी गूगल वाली मैडम ने भी हमें बता दिया कि हमारी जो डेस्टिनेशन है वो आ चुकी है। और ऐसा कुछ मेला लगा रहता है मंदिर के आजू बाजू में, तो अभी कोई फेस्टिवल नहीं है इसलिए थोड़ी सी भीड़ भाड़ कम मिलेगी। और ये माता जी का मंदिर है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। तो चलिए अभी कोई लाइन देख के अंदर चलते हैं। उसी साइड आ जाए, इधर ही तो दोस्तों हमने महालक्ष्मी जी के दर्शन कर लिए हैं, और साथ में आपको भी दर्शन करवा दिए हैं। सो अब चलते हैं वापस अपने रूम की तरफ। और आप लोगों से भी एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पर पहली बार है और अगर आप रेगुलर देख रहे हैं तब भी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।